हेलो क्लासेस से पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ फोर टर्म एंड एट टर्म, मतलब फोर टर्म और एट टर्म को जोड़ने पर किसी भी सीरीज के उसमें हमें कितना मिलता है, 24 मिलता है। और द सम ऑफ सिक्स एंड टेन टर्म, मतलब सिक्स टर्म और टेन टर्म को जोड़ने पर कितना मिलता है, 44। तो फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी के। तो हम नोटिस कर ले एपी के तीन टर्म निकालने, तो हम कुछ एपी की सीरीज बना लेते हैं, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इसे डॉट डॉट करते हुए ये AN तक जाएगा, ये फॉर्मूले का। अब इसमें कह रहा है कि फोर टर्म, मतलब A4 प्लस A8, ठीक ना, इनका जो सम है, मतलब फोर टर्म पे जो वैल्यू है और एट टर्म पे जो वैल्यू है उनका जो सम है वो कितना है, 24 है। ये हमको दिया हुआ पहली कंडीशन। अच्छा, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D, इसको 24। अब देखिए A क्या होगा, 2A, और 7 3 कितना होगा, 10D, इसको 24। ये बनेगा हमारा, इसमें से एक 2 कॉमन कर ले, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस 5D इसकल टू कितना, 24। 2 से काटेंगे 2 2 2 2 2 4 12 आ जाएगा। तो A प्लस 5D कितना आएगा हमारा, 12 आएगा, और यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। सेकंड बात कह रहा है कि एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेन टर्म, मतलब सिक्स टर्म मतलब कितना, A6 और टेन टर्म A10, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक ना। इनकी प्लेस वैल्यू पे जो इनके प्लेस वैल्यू जो होगी उनको जो सम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 44 आएगी। ये हमको दूसरी कंडीशन दी है। अब A6 को हमें पता लिख सकते हैं A प्लस 5D, प्लस A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब देखिए A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14D इक्वल टू 44। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो A प्लस कितना बचेगा, 7D इक्वल टू 44। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। तो A प्लस 7D हमारा कितना आ जाएगा, 22, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, देखिए a प्लस 7d इक्वल टू 22, फिर a प्लस 5d इक्वल टू कितना, 12। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये कटा, 7 में 5 कितना बचा, 2d बचा। अब यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब 2 से काटेंगे 2 2 2 5 10, तो d हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब d की वैल्यू हम इसमें और इसमें, या इसमें और इसमें किसी में पुट करके किसी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 12 है हमारा। अब d की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 ठीक ना, इक्वल टू 12। 5 से कितना आएगा, 25। a प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इक्वल टू 12। अब 25 हमारा क्या है, प्लस का, उधर आएगा तो माइनस का, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 25। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 13, तो a हमारा क्या आ जाएगा, 13। तो यहाँ से हमारा a और d निकल आया है। अब हमको अपनी निकालनी है सीरीज, तो सीरीज हमें पता होना चाहिए कि a पहला हमारा होता है a, दूसरा होता हमारा a प्लस d, नेक्स्ट होता है a प्लस 2d, और फिर नेक्स्ट a प्लस 3d, फिर से जाती रहती है सीरीज। अच्छा, a हमारी कितनी दी है, माइनस 13 ना, तो a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 13। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 13 आएगा, a की वैल्यू, a प्लस d मतलब क्या, a और d जुड़ेंगे, तो माइनस 13 प्लस 5 तो कितना आएगा, 8 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 13 बड़ा है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या करेंगे, अब लिखा a प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है, 5 रखेंगे कितना आएगा, 10। अब a प्लस 2d मतलब कितना, माइनस 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 3, और हमारी ये तीन सीरीज निकल आएगी, क्योंकि इसने बोला सिर्फ तीन टर्म निकाले ना, तो हमारे तीन टर्म ये आ जाएंगे, और यहाँ से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि, इसमें कह रहा है कि सुब्बा राव, एक व्यक्ति है सुब्बा राव उसका नाम है, वो 1995 में एक काम शुरू करता है, ठीक ना, जिसकी सैलरी उसे कितना मिलता है, 5000 रुपये मिलती है। अब वो रिसीव करता है इंक्रीमेंट कितना, 200 रुपये का हर साल उसे 200 रुपये बढ़ते हुए मिलते हैं। जैसे मान लो पहले साल उसे कितना मिला, 5000 रुपये मिला, तो दूसरे साल क्या मिलेगा, 5000 में 200 जुड़ जाएंगे, तो 5200 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर अगर थर्ड ईयर देखा जाए तो 5400 मिलेंगे। इस तरह से वो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और एक लास्ट टाइम पे कितना हो जा रहा है, 7000 हो जा रहा है, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि ये 7000 ना किस साल हो रहा है, वो ईयर बताना हमको। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि ये जो फॉर्म दिया, ये जो सीरीज बनी, इस सीरीज में ये एन की वैल्यू क्या होगी इस पूरे में। तो हम ले लेंगे हमारा ए कितना, 5000, ठीक ना, डी हमारा कितने का, देखो 5200 में से 5000 माइनस करेंगे तो 200 मिलेगा, और an जो लास्ट का फॉर्म दिया कितना दिया, 7000 दिया है, क्योंकि लास्ट में 7000 ही बन रहा है हमारा। अब हमें पता है हमारा फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब an की वैल्यू कितनी है, 7000 रखेंगे इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 5000 रखा,
प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारी कितनी है 200 रखा। अब प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो 7000 माइनस 5000 ठीक ना, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। अब देखिए इनको माइनस करें कितना बचेगा, 2000 बचेगा, इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 2000 अपॉन में 200 इक्वल टू एन माइनस वन, ये दो जीरो कटेंगे और 2 से काटेंगे कितना आएगा 10। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एन की वैल्यू जो आएगी माइनस का वन उधर जाएगा तो 10 प्लस वन कितना हो जाएगा 11। तो 11 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 11 साल है, आप सोचें कि अगर 1995 से 11 साल लेंगे तो कितना आएगा 2006 आ जाएगा, लेकिन 2006 इसका आंसर शायद हो भी ना, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, हमें पता है कि हम पहला ईयर कितना था 1995 था, सेकंड ईयर कितना था 9996 था, उसका 9997 था, उसके लास्ट में कब जो कितना हो जाता है किस ईयर में 7000, तो हमें वो 7000 निकालना किस ईयर में हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे एन की वैल्यू दी है, तो एन की वैल्यू मतलब क्या एन 11 पे जो वैल्यू होगी उसे हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा ए कितना है 1995 है ठीक ना, डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1996 से 1995 गया तो एक साल का डिफरेंस आया ठीक ना, और हमारे यहाँ पे एन हमको कितना दिया 11 दिया है, ये हमको फॉर्म दिया और हमको बस ए एन निकालना है, तो ए एन इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन की वैल्यू देखिए कितनी है, ये निकालनी है तो एन के ए नहीं रखेंगे, ए हमारा कितना दिया 1995 प्लस एन की वैल्यू कितनी 11 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का एक, 11 से 1 गया 10, और 10 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 10 आएगा, तो कितना आएगा 1995 प्लस 10। अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 2005, मतलब 2005 जो ईयर होगा उस ईयर में इसकी वैल्यू जो या इसकी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 7000। तो ये सवाल ऐसे होगा और ये प्रॉब्लम यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाएगी।